हाँ तो आइए मेरे कथा के प्रेमियों, आप लोगों के सामने माता सीता का जन्म कर्ज 12 मासी के धुन में प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं, जिसके गायक कलाकार हैं अखिलेश शास्त्री नंगला दौलत वाले। मेरे भागवत श्रोताओं, एमपीआई स्टूडियो के अंदर सबसे छोटा गायक है तो केवल मैं हूं, और मुझे 24 साल कथा कहते हो गए लेकिन आज दिन तक कथा वाचक नहीं बन पाए, और आजकल के शास्त्री 2 महीने में कथा वाचक बन जाते हैं, परमात्मा कैसे भला करेगा। अधिक शब्द न बोलते हुए अपने को छोटा मानते हुए कथा के प्रेमियों आपके चरणों में मस्तक डालते हुए हम कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक समय की बात, लंकापुरी रावण अपने मंत्रियों से बोला कि मंत्री लोगों, संत महात्माओं के पास जाइए और हमारा कर्ज लेकर के आइए, हफ्ता वसूली करके लाइए। संत महात्मा जैसे ही वहां से चले हैं, विकट बनी में जाकर के पहुंचे, इधर लंकापुरी रावण के मंत्री हाथ में फरसा तलवार लेकर के उसी विकट बनी में पहुंचे जहां पर संत महात्मा घोर तपस्या कर रहे थे। मेरे श्रोता बंधु, उसी तपस्या में जाकर के रावण के मंत्री कहने लगे, हे सप्तऋषियों, तुमसे मुझे कर्ज मुक्त करना है, रावण ने भेजा है। संत महात्मा कहने लगे, बेटा मेरे पास तो कुछ है नहीं, केवल शरीर के अंदर रक्त है, रक्त चाहो तो हम तुम्हें दे सकते हैं। मंत्री ने कहा, जो भी चाहो मुझे दीजिए कर्ज के रूप में। तो संत महात्माओं ने अपने शरीर का रक्त निकाल करके और एक हंडी भर दी और उस मंत्रियों को दे दी, और मंत्री से कहा कि रावण से जाकर के कह देना इसको खोल के देख ले, तेरा इसमें कर्ज मुक्त भरा हुआ है, और जो इस हंडी को खोलेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। मंत्री लोग जैसे ही रावण के पास हंडी लेकर के पहुंचे और कहा कि लीजिए राजन, लेकिन शर्त है, महात्माओं ने एक बात कही है, क्या कि जो इस हंडी को खोलेगा उसका सर्वनाश हो जाएगा। रावण हंडी खोलने के लिए तैयार नहीं हुआ, उसे एक बात याद आ गई कि एक समय जनक से मेरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हम हार गए थे, आज जनक से इस हंडी के द्वारा बदला चुकाएंगे। और मंत्रियों से कहा कि इस हंडी को ले जा करके और जनक के मेरे पर गाड़ दो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हुआ क्या प्रेम भैया, आरे चढ़ो पाप को फेरो, कुमित रावण पे छाई, जब चढ़ो पाप को फेर, कुमित रावण पैर आई, सप्तऋषि ले रक्त गयो हंडी में भरवाई, ए भैया सप्तऋषि ले रक्त गयो हंडी में भरवाई,
यदि लोग कर्ज लेने के लिए महात्माओं के पास पहुंचे तो महात्माओं ने अपना रक्त हंडी में भर दिया। हुआ क्या आगे मेरे श्रोता बंधु? अरे चैत महीना लगो कुमति अब रावण तेरे आई, तीनों हुकुम सुनाई हाथ में हरियायो ठवाई, उस हंडी को रावण ने नहीं खोला, मंत्रियों से कहा कि मंत्री लोगों इस हंडी को हाथ में पकड़ लो। और क्या कहा रावण ने हरवान भैया? पैर में जनिक से भारी, अरे पैर मेरो जनिक से भारी, मेरा नमी गए थे हारी पीर देखी कैसो बलधारी, ए भैया रनवी गए थे एक बार महाराज जनक से मेरा युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हम हार गए थे, आज देखते हैं इसकी अंदर कितनी ताकत है, इसी के क्षेत्र में जाकर के और इस हंडी को गड़वाएंगे। और रावण क्या बोला मंत्रियों से? बेटा लकेश माने मेरो कहनो तुम लीजो, जान सके ना कोई काम तुम इतनो कर दिया, ओ भैया जान सके ना कोई काम तुम इतनो कर दिया। लिया भंगी को, भंगी को हरियायो ठवाई, सप्तऋषि ले रक्त दयो हंडी में भरवाई, श्रोता बंधु भंगी से कहा कि हंडी को उठाओ और हंडी को ले जाकर के जनक के राज्य में पहुंचो। आगे क्या हुआ मेरे भागवत श्रोताओ? बैसाख महीना लगो के सगुन परो लखाई है, और जनक भूप के मेरे पे हरिया गढ़वाई है, जनक भूप के मेरे पे हरिया गढ़वाई है, भंगी से कह दिया कि जनक के मेरे पे जाकर के हंडी को गहरे जमीन में दबा देना, और जैसे ही हंडी जमीन में दबाई है हुआ क्या दोस्तों आगे? अब जनक पर दिन प्रतिदिन आपत्ति आने लगी, क्योंकि जैसे ही हंडी लंका से चली तो उसी समय अशगुन होने लगे, और अशगुन कितने प्रकार के होते हैं बेटा अंकुश?
किया हरिवान। घर से कदम धरो जवाई और खाली घड़ा जब परे दिखाई। सूखी डाल कौआ बोले, द्वारे के सामने अगर सूखा कोई वृक्ष है उस वृक्ष पर बैठ करके कौआ बोलता है तो अशुगुन होता है। इसलिए दरवाजे के सामने कोई सूखा वृक्ष नहीं होना चाहिए। सूखी डाल कौआ बोले और मार्ग में जो स्वान लड़ जाए। कहते हैं कुत्ते को रास्ते में अगर दो कुत्ते लड़ते झगड़ते मिल जाए अशुगुन। और आगे क्या बताया है, के लगाती जाए जो मणिधारी काला सर्प। अरे के लगाती जाए जो मणिधारी मार गुक्का के पैरिन पिलाई। सबसे बड़ा अशुगुन प्रेम भैया, घर से जब ही पति चले और पति निया देवे आंसू बहाई। इतने अशुगुन होने के बाद अगर रास्ते में कोई कथा भागवत मिल जाए, संत महात्मा मिल जाए, महापुरुष मिल जाए, अगर कोई आपको बुला रहा है तो दो मिनट के लिए रुक जाइए, शायद आपकी एदनी चल जाए। अगर चलत कोई रोक तू है तो तू मिनट रुक जाओ मेरे भाई। जैसे हंडी जनकपुर के लिए चली तो अशुगुन होने लगे, इधर महाराज जनक के ऊपर विपत्ति पर विपत्ति आने लगी। विपत्ति अब जनक पे आई है, परो चौखंडाय काल नींद नहीं सपने में आई है। परो चौखंडाय काल सपने में आई है। बारह वर्ष के लिए अकाल सूखा पड़ गई, पक्षी चेहक चेहक करके मरने लगे, गाय डाप डाप करके अपने प्राण तजने लगी, अन्न बिन प्राणियों के भी दम घुटने लगे। अन्न बिन जावे जिंदगानी, महाराज जनक सोचने लगे अगर पृथ्वी पर अन्न पैदा नहीं होगा तो सभी जीव जंतु मारे जाएंगे, हमारे राज की जनता भी भूखों मर जाएगी। अरे अन्न बिन जावे जिंदगानी, पशु पक्षी सवर में जाए छोड़ी जाए जनता रजधानी। ए भैया पक्षी सवर में जाए छोड़ी जाए जनता रजधानी। विपत्ति अब राजा पे आई, सप्तऋषि ने रक्त तयो हंडी में भरवाई। सप्तऋषि ने तयो रक्त हंडी में गड़वाई। मेरे नौजवान साथियों, आज रावण के मंत्री ने जैसे ही महाराज जनक के मेड़े पर हंडी गाड़ी, उसी दिन से जनकपुरी में सूखा पड़ने लगी। और ऐसी सूखा नहीं पड़ी, 12 वर्ष तक जल पृथ्वी पर नहीं बरसा।
मेरे नौजवान साथियों, महाराज जनक के गुरु थे शतानंद जी पहले, और दूसरे गुरु थे अष्टावक्र जी। अष्टावक्र जी की कथा अलग आती है। प्रथम गुरु उनके शतानंद जी थे। जब कोई अपने ऊपर आपत्ति आए तो सबसे पहले गुरु के पास जाना चाहिए। अगर गुरु के पास नहीं जा पा रहे हो तो अपने एक सच्चे मित्र के पास जाना चाहिए, जो सच्चा मित्र हो। लेकिन आजकल की तो मित्रता अलग गई है, शारीरिक मित्रता है। कैसे लला अंकुश? यार दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी, यार दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी, यार की ऐसी तैसी, यार की ऐसी तैसी। और मित्र दगाबाज हो तो मित्र की ऐसी तैसी, मित्र दगाबाज हो तो मित्र की ऐसी तैसी, प्यार दगाबाज हो तो यार की ऐसी तैसी, प्यार दगाबाज हो तो प्यार की ऐसी तैसी। जनिक के ऊपर घोर आपत्ति पड़ी है। अपने गुरु शतानंद जी के पास पहुंचे, कहा गुरुवर हमारे राज्य में सूखा पड़ चुकी है, अब हम क्या करें। शतानंद जी कहने लगे, शिष्य तू चिंता मत कर। और शतानंद जी क्या बोले हैं, बेटा अंकुश, अरे जेठ महीना लगो सतानंद के न लगे रे बानी, अरे जेठ महीना लगो सतानंद के न लगे रे बानी, सोने को हलू बनवाओ चलावो राजा और रानी, ए भैया सोने को हलू बनवाओ चलावो राजा और रानी। शतानंद कहने लगे कि सोने का हल बना करके आप दोनों को हल चलाना पड़ेगा। बने आज्ञा सिरदारी, तीनों हल चलवाई निकरी गई हरिया मतवारी, ए भैया तीनों हल चलवाई निकरी गई हरिया मतवारी। जैसे ही सोने का हल राजा रानी ने चलाया तो वो हल था हंडी में अटक गया, और जैसे ही जमीन से खोदा तो वह सप्त ऋषियों के रक्त से भरी हुई हंडी बाहर निकली। और जैसे ही हंडी को खोला हुआ क्या बेटा अलकेश, खोली जब भूपति ने लीनो, खोली जब भूपति ने लीनो, जैसे ही हंडी को खोला उसमें से सुंदर सी एक कन्या निकली, लक्ष्मी प्रगति आई नाम गुर सीता धरि दीनो, अरे लक्ष्मी प्रगति आई नाम गुर सीता धरि दीनो। घड़ा से एक
सुंदर सी कन्या निकली, जिस कन्या का नाम गुरु शतानंद ने सीता रख दिया। कह रहे वरन दास गिरो धरनी पे बेराई, शतानंद के पैरों में और राजा और रानी लिपट गए। कह रहे वरन दास गिरो धरनी पे बेराई, सप्तऋषि ले रक्त दयो हंडी में भरवाई, सप्तऋषि ले रक्त दयो आज इस तरीके से उस लक्ष्मी का नाम गुरु शतानंद ने सीता रख दिया। उसी सीता मैया को लेकर के महाराज जनक अपने महलों के अंदर ले गए और धीरे धीरे अपना जीवन यापन करने लगे। इस तरीके से मैया सीता का जन्म हुआ। मेरी राम राम ले ले चलन की फेरा हो गई है, मेरी राम राम ले ले चलन